तो फिर हेडशॉट का सीक्रेट आज मैंने रिवील कर दिया है। आप लोग फ्री फायर गेम के अंदर जितने भी बड़े से बड़े प्लेयर को देखते हैं, जितने भी लोग लगातार वन टैप कनेक्ट करते हैं, जो लोग भी लगातार हेडशॉट कनेक्ट करते हैं, वो लोग इसी सीक्रेट को ही यूज करते हैं जो कि आज मैंने आपको रिवील कर दिया है। अगर आप लोग इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं, बैकग्राउंड में देख सकते हो बैलेंस मोड, बैटरी सेवर मोड, मॉन्स्टर मोड, काफी सारे मोड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नीचे अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन, एमिंग, आप लोगों को क्रॉस हेयर का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब है कि सीक्रेट को बड़े से बड़े फ्री फायर प्लेयर्स, ई स्पोर्ट प्लेयर सभी लोग यूज करते हैं। किसी ने भी यूट्यूब पर इस तरीके का वीडियो नहीं बनाया होगा। मैं आप लोगों को सब कुछ रिवील करूंगा। अगर आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे हैं 5 स्टेप को फॉलो करते हो तो लास्ट स्टेप तक जाते जाते आप लोग हेडशॉट में मास्टरी कर लेंगे। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो वन टैप हेडशॉट में मास्टरी अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा एमिंग, यानी कि आप लोगों को पहले से ही पता होना चाहिए। एम का मतलब होता है कि जहां पर आपका एम होगा और फायर करोगे तो वहीं पर ही गोलियां लगेंगी। ये आपको अपने दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में, मैं आप लोगों को लेफ्ट और राइट साइड में दिखा रहा हूं। मेरा एम जब बॉडी पर था तो येलो नंबर कनेक्ट हो रहे थे, और वहीं पर जब मेरा एम दूसरे साइड हेड पर है तो मेरे रेड नंबर कनेक्ट हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग एमिंग करना सीख जाते हैं तो गन से निकलने वाली पहली और आखिरी गोली सीधी एनिमी के हेड पर कनेक्ट होगी, जिसका प्रैक्टिकल आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो देखिए, एमिंग करने की दो ट्रिक होती हैं। पहला तो आप लोग व्हाइट एम पर एम कर सकते हो और दूसरा होता है रेड एम पर आप लोग एम कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को व्हाइट एम का फंडा बता देता हूँ। व्हाइट एम पर जब आप लोग हेडशॉट कनेक्ट कर रहे हैं, जब एनिमी शॉर्ट रेंज में हो और एनिमी मूवमेंट कर रहा हो, बैकग्राउंड में आप लोग देख भी सकते हो, वहीं पर आप लोग दूसरे साइड में देखिए रेड एमिंग की ट्रिक। रेड एम तब वर्क करता है जब एनिमी आपसे लॉन्ग रेंज में हो और बिल्कुल ही स्टैंड यानी कि खड़ा होना चाहिए। आपको अपने दिमाग में ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं कि व्हाइट एम मतलब शॉर्ट रेंज और रेड एम मतलब लॉन्ग रेंज, और कुछ भी आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जिसे बोलते हैं हेडशॉट सीक्रेट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है। वहां पर आप लोगों को अल्ट्रा गेम्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को बैक करना है, फ्री फायर गेम को ओपन करना है। और जैसा ही आप लोग ओपन करोगे ना, तो आप लोग देखोगे कि आपकी गेम की ना साइड बार में एक अलग से बटन आ रहा है। तो आप लोग बाहर की ओर खींचेंगे तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा सेटिंग्स मिल जाएंगी, जो कि आप लोग अपने गेम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, जो कि फ्री फायर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बड़े से बड़े प्लेयर इसी सेटिंग्स को यूज करते हैं। पहला मिलेगा आपको बैटरी सेवर मोड, दूसरा मिलेगा आपको बैलेंस मोड, और लास्ट वाला मिलेगा आपको मॉन्स्टर मोड। इसमें से सबसे खतरनाक मोड है वो है मॉन्स्टर। एक एक करके सभी ऑप्शंस को मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बैटरी सेवर मोड तब आप लोग वर्क कर सकते हैं जब आपके फोन में कम बैटरी हो, या फिर आप लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं और गेम प्ले भी करना चाहते हैं, तो इस सेटिंग को आपको बैटरी सेवर मोड में डाल देना है। इससे आपका जो डिवाइस होगा ना, वो बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उनको ब्लॉक कर देगा, और आप लोगों के फोन की जो बैटरी होगी वो अननेसेसरी एप्स में ना डाल करके गेम के अंदर डालेगा, और कम बैटरी में ज्यादा आपको एक्सपीरियंस गेम में देखने के लिए मिलेगा। कमाल की सेटिंग्स है ये वाली, सेटिंग्स कम बैटरी वाले यूज कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, वो मिलेगी बैलेंस मोड। बैलेंस मोड में आप लोगों को ना तो बहुत ही कम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है और ना ही बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। बैलेंस मोड में ये वाला गेम बूस्टर आपका जो भी फ्री फायर का गेम प्ले है ना, उसको परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखता है, जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट गेम में बना रहता है। बहुत ही तगड़ा मोड है। उसके बाद आता है लास्ट मोड, जिसे बोलते हैं मॉन्स्टर मोड। मॉन्स्टर मोड इस वाले बूस्टर का सबसे खतरनाक मोड है। इस मोड के अंदर आप लोगों का गेम प्ले सातों आसमान पर होता है। आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो हेडशॉट ही हेडशॉट लगते हैं, आपका टच रिस्पांस इंक्रीज हो जाता है, साथ में आप लोगों का एमिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और इसके अलावा आप लोगों का जो भी गेम का कलर्स हैं, जो भी आप लोगों की गेम की सेटिंग्स हैं, वो इम्प्रूव हो जाती हैं। सेंसिटिविटी सेटिंग आप लोगों की बहुत ही तगड़ी हो जाती है। तो मॉन्स्टर मोड में आप लोगों को इसको सेट करना है। उसके बाद आप लोगों को नीचे कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा व्यू एनहेंसमेंट। व्यू एनहेंसमेंट इस बूस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसको ऑन करने से आपके फ्री फायर के कलर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बिफोर एंड आफ्टर वाले स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आता है अगली सेटिंग, जो की है लॉक ब्राइटनेस। काफी बार होता है जब आप लोग गेम प्ले करते हो तो आप लोगों का जो भी ब्राइटनेस होता है ना, वो अपने आप ही कम होने लगता है, अपने आप बढ़ने लगता है। तो लॉक ब्राइटनेस की सेटिंग्स को ऑन करने के बाद आपकी ब्राइटनेस वहीं पर ही लॉक हो जाएगी।
जाएगी और आपका फोकस गेम पर बना रहेगा। उसके बाद आता है ई स्पोर्ट मोड। ई स्पोर्ट मोड तब वर्क करता है जब आप लोगों को ई स्पोर्ट के लिए प्रैक्टिस करनी हो या फिर नॉर्मल गेम के लिए करना हो, तो इसको आप लोग ऑन या पर ऑफ कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद आता है ब्लॉक नोटिफिकेशन। इस बूस्टर की सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है ब्लॉक नोटिफिकेशन। इसको ऑन करने से आपकी गेम के अंदर ना तो किसी का कॉल शो होगा, ना ही कोई व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के मैसेज, कुछ भी नोटिफिकेशन से शो नहीं होगी, जिससे कि आपका गेम प्ले के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा और साथ में आप लोग गेम में बहुत ही तगड़े तरीके से फोकस कर पाएंगे। इन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आप लोगों का गेम प्ले नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, जो कि है डेवलपर सेटिंग्स। आप लोगों को अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर के डेवलपर सेटिंग को सर्च करना है। वहां पर आप लोगों को डीपीआई सेटिंग्स में जाकर के वहां पर 420 पर जाकर के डीपीआई सेटिंग को सेट कर देना है। इससे आप लोगों की गेम की सेंसिटिविटी सेटिंग और भी ज्यादा इंक्रीज होगी और आप लोगों को स्मूथनेस समझ में आएगी। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, जो कि है प्रैक्टिस मोड। आप लोगों को ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और वहां पर आप लोगों को हमेशा ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए वाई टीम और रेड टीम पर प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैंने आपको पहले स्टेप में बताया था। आप लोग वीडियो को एक बार बैक करके फिर से देख सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट स्टेप है वो है सेंसिटिविटी सेटिंग। आप लोगों को अपने फोन की सेंसिटिविटी सेटिंग में जाना है। उसके बाद आप लोगों को जनरल को 100 करना है, रेड डॉट को भी 100 कर लीजिए। 2x और 4x आपकी सेटिंग वन टैप में वर्क नहीं करती है, तो उसको आप लोगों को 0 कर लेना है। स्नाइपर स्कोप को भी 0 कर लीजिए। और फाइनली आपकी सेंसिटिविटी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इन 5 स्टेप को आप लोग फॉलो कीजिए और आप लोगों ने अभी तक मास्टरी अचीव कर ली होगी। गेम में जाकर के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।